विलियागड़ेता साइलेंट किलर निशाचर और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला इसमें हाईली न्यूमोटॉक्सिन पाया जाता है। जब ये सर्प काट देता है तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, समय से इलाज कराओ। इस साइज के सर्प कम ही देखने को मिलते हैं। फोन रखो, ये फोन उठाने में तो देख सकते हैं। ये रात के अंधेरे में निकलता है और दिन के उजाले में नहीं दिखता है। आप लोग देख सकते हैं सर पर ये शांतिपूर्वक इस कॉर्नर में बैठा है। तो इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि रात्रि के समय जब भी आप लोग भ्रमण करें ये बहुत खतरनाक सर्प होता है। इसका जो वेनम है आप लोग इसके पैटर्न को पहले आराम से स्वागत है इस वीडियो में। आज एक सूचना पहुंची थी हमारे यहाँ स्थानीय निवासी, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से ये स्थानीय निवासी ग्राम ललजूपुरवा है। ललजूपुरवा है ये भैया मिसाल हमारे ये मित्र हैं, इनके यहाँ घर पर एक सर्प देखा गया है। सर्प इंडियन कॉमन करेंट बताया जा रहा है, भारत का सबसे जहरीला सर्प, अभी पहचान नहीं हुई है। तो जो भी समय लगेगा वीडियो के साथ साथ बने रहिए जल्द जल्द, क्योंकि शाम का समय है। तो पहले उसको निकालते हैं, इसके बाद बताते हैं कुछ उस सर्प के बारे में। आइए, तो आप लोग देख सकते हैं इनका ये स्थानीय निवास है। इनके यहाँ जो रूम है, रूम के अंदर सर्प देखा गया है और अभी थोड़ा समय लगेगा, वीडियो के साथ साथ बने रहिए। तो ये दद्दा है हमारे पिता समान, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जीवों पर दया रखने के लिए। ये उस सर्प को बिल्कुल परेशान किए ना छेड़े। जैसे ही सर्प दिखा इन्होंने तत्काल हमें फोन किया और हम लोग मौके पर आ चुके हैं। ठीक है, निकालते हैं पहले उस सर्प को, दिखाते हैं कौन सा सर्प। कुर्सी उठाई कौन है पहले, उसके किनारे पूरे बिल्कुल बिल्कुल तुमने सब लोग हटो। देखो सर्प है भारत का सबसे जहरीला सर्प है, देख लिया गया है इंग्लिश में। पहले इसको दिखाते हैं सर्प को एक बार। आप लोग देख सकते हैं सर पर ये शांतिपूर्वक इस कॉर्नर में बैठा है। तो इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि रात्रि के समय जब भी आप लोग भ्रमण करें ये बहुत खतरनाक सर्प होता है। इसका जो वेनम है वो हाईली न्यूरोटॉक्सिन होता है। एक बार व्यक्ति को पता नहीं चलता कि हमें सर्प ने काटा है। ठीक, इसको निकालते हैं बाहर। अब इसको ज्यादा दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये काम खतरे से खाली नहीं है। इसको पहले निकाल कर जाओ। ओह माय गॉड, साइज आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन साइज है, बहुत बड़ा है। ये साइज के सर्प कम ही देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं ये रात के अंधेरे में निकलता है और दिन के उजाले में नहीं दिखता है। नहीं को नीचे
तुम लोगों आप लोग इसके पैटर्न को पहले आराम से पढ़ो। ये भारत का सबसे जहरीला सर्प है। इसका जो पैटर्न है ब्लैक है और जो व्हाइट लाइनिंग है। तो इसको इंग्लिश में कॉमन करें, हिंदी में भुलियागढ़ेंता, साइलेंट किलर, निशाचर और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला। इसमें हाईली न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। जब ये सर्प काट देता है तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। समय से इलाज कराओगे तभी आपकी जान बचेगी, वो भी जिला अस्पताल पहुँच के। तो ठीक है, इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत एक्टिव होता है रात में। हमारा कार्य भैया खतरे से खाली नहीं है, आप लोग सपोर्ट किया करिए। कौन सा अपनी जिंदगी का आखिरी पल हो जाए, इस कार्य को अंजाम देते देते। गोरी टेंडर्स खोले नहीं, बिल्कुल परेशान है। वो आराम से जाए, चेक कर लें, फटी नहीं है ना, गोरी फटी नहीं है। देखिए यही खासियत होती है, इतनी जल्दी एकदम जंप मार के काट। कोई बांधने देवा को अभी भैया, अब क्या बताओ, इनके पांच चुपटो है इधर को मांगने को। चले बोरी एकदम भैया आप चेक कर लियो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ की जो जान बचाई। आप लोग भी ऐसे ही बेजुबानों पर दया करें, कभी भी किसी जीव को न हमारे मारना अपराध है। जब भी कोई फ्रॉड या सर्प निकले आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो यूट्यूब चैनल है आपके सर्प में उससे संपर्क सूचित करें। एनी टाइम बेजुबानों को बचाने का प्रयास रहता है। कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हमारे भाई विशाल, इनके यहाँ ये स्थानीय निवास पर सर्प था और ये भैया हैं और ये दादा, ये हर समय सपोर्ट करते हैं बेजुबानों की जान को बचाने के लिए। ये पहली बार नहीं है, एक बार इन्होंने एक बेजुबान अजगर की रक्षा की थी सूचना देकर। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर्प आप लोगों ने देख लिया, ये भारत का सबसे खतरनाक सर्प है और ये सर्प बिस्तरों में ही घुस जाता है। यही सर्प है जो बिस्तरों में घुस जाता है हम लोगों की हीट लेने के लिए। हम लोगों ने करवट वगैरह ली, दब गया तब ये बाइट करता है। वैसे सर्प कोई नहीं काटता जब तक पैर नहीं पड़ता। जितना हम लोग सर्पों से डरते हैं उसे सौगुना ज़्यादा ये हमसे डरते हैं। तो ये सर्प जब काट ले कभी किसी को तो आप सीधे जिला अस्पताल जाए, झाड़पूँ के चक्कर में बिल्कुल अपना समय को बर्बाद न करें। ऐसे में लोगों की डेथ हो जाती है, जान चली जाती है। बहुत से ऐसे रेयर केस आप लोगों ने भी देखे होंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बरसात का मानसून है, टेम्परेचर हाई है, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ऐसे में ये सर अपने पेट के लिए और अपने टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए घरों में घुसाते हैं। खतरे की स्थिति लगातार बनी रहती है। आप लोग जब भी रात में जब भी आप लोग उठें तो कम से कम टार्च होगी तो दिखाई तो फिर भी देगा, पैर फिर भी नहीं पड़ेगा। यही एक बचाव है। वैसे सर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये पहुँच नहीं जाए, इनके लिए कोई जगह मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेके चलते हैं। नहीं सब बातों का वीडियो का यहीं करते हैं, लेते हैं अभी तक मिलते हैं। हाँ आप बताए बता।